अभी हम पहुंच गए मुक्तेश्वर वाले रूट पे, और यहाँ से मुक्तेश्वर है 0 किलोमीटर, मतलब 200-300 किलोमीटर डिस्टेंस पे होगा। रोहित भाई कैसा था फिर सफ़र? तुम तो फुल व्लॉगिंग करते हुए आ रहे हो यार, बर्फ़ भी गिरने लगी हल्की हल्की, कैमरा से रिकॉर्ड नहीं पता कैमरे से बट आंखों से रिकॉर्ड हो पा रही है। तो चलते हैं फिर ऊपर को। तो चलते हैं फिर आगे, ये तो पागल है, बकवाते रहेंगे, ये देखो ये पागल ही है। चलो गाइस चलते हैं। सो गाइज यहाँ से स्टार्टिंग हो चुकी है, फाइनली मुक्तेश्वर पहुँच गए, और यहाँ से अप्रॉक्स थोड़ा सा है ऊपर व्यू पॉइंट जहाँ पे है, तो वहीं को जा रहे हैं अभी अपन लोग। चलो बाबा चलो। तो सब रेडी हो चुके हैं वहाँ पे, तो अभी का मूड ऐसा है, चाय वगैरह पी ली थी, चलते हैं। तो ऊपर चलते हैं, देखते हैं अगर नाश्ता वगैरह मिलेगा तो कुछ वहीं पर करेंगे। यहाँ तो ऐसा कुछ है नहीं कि कुछ, मतलब यहाँ पे जूस वगैरह, और जूस वगैरह मैं पीना नहीं, बिकॉज डेली का है तो जूस वगैरह क्या ही पिए। और चलते हैं ऊपर, कुछ नया एक्सप्लोर करते हैं, और कुछ जो सामने दिख रहा है आपको नेचुरल वो दिखाते हैं। हैं तो गाइस जहाँ तक कि पता चला, ये पता चला कि नीचे को जाना है, और तो पहाड़ी नींबू पानी शगंजी अचार सब पड़ता है। आए हाय हाय ठंडा है, पहाड़ी नींबू दिख गया रे, ये हो गए पागल भाग। गाइस बर्फ़ भी पड़ी हल्की हल्की ऊपर को, आपको साइड कोनों पे दिख रही होगी, एक दो दिन पहले है, मतलब इसको टाइम हो गया काफ़ी बर्फ़ को पड़े हुए। हाय 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 हाय, आज यही बोलेंगे दिन भर, ये एक 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 रील ले ली इन्होंने, आज ये दिन भर यही बोलेगा हाय हाय हाय। सारे यूट्यूबर है भाई, सारे यूट्यूबर है। गाइस तो चलते हैं नीचे को। मुक्तेश्वर आए थे, वहाँ पे पॉइंट वगैरह घूमे, आप सोच रहे हैं कि यहाँ से निकल जाएं, तो फटाफट नीचे आ गए, और मंदिर तो इस बार गए नहीं बिकॉज थोड़ा कुछ पर्सनल इशू है, बताऊँगा कहीं बाद में। तो अब गाड़ी वगैरह चालू करते हैं और निकलते हैं, अभी प्लान बन गया है कहाँ का, वो रास्ते में ही बताएंगे, अभी से बता देंगे सस्पेंस ख़त्म हो जाएगा, तो वहीं पहुँच के बताते हैं आपको। शाम का प्लान कुछ ऐसा था कि यार अपन लोग निकल रहे हैं नैनीताल को, आपको फाइनली बता ही देते हैं, और सामने में बर्फ़ देख पा रहे हो आप, वो वाइट जो पहाड़ है भाई पूरा बर्फ़ से ढका पड़ा है, और अभी हम वहीं जा रहे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा ठंड भी है, और मतलब ऐसा है कि एडवेंचरस हो रहा है कि जाना है करके, और मतलब क्या ही बोलूँ, मतलब इतना एक्साइटमेंट है ना अंदर कि जाना है भाई बर्फ़ में जाना है। और अभी रास्ते में वहाँ पर ऊपर पर भी बर्फ़ दिख रहा है थोड़ा थोड़ा सा, यहाँ से कैमरे से नहीं दिख पा रहा है, मैं वहाँ जाके दिखाऊंगा आपको कि यार कैसा हो रहा है। और अमन भाई की व्लॉगिंग देखो भाई, अमन भाई चलो, अमन भाई 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 भाई, भाई, भाई क्या है यार, अल्लाह अल्मोड़ा में बैठ के कश्मीर दिख गया भाई, बिकॉज यार हम बारिश था ठंडा था, अभी तक थे काम। हमें तो यही नहीं पता कहाँ थे हम, पता नहीं आ, अभी जाते हैं उधर देखते हैं वहाँ का सीन क्या है। और ठंड भाई बहुत होती, मेरे दोनों पाँव एकदम सूख, भाई का लोगो भाई लोअर ओवर पहन के भी आया यार, भाई अपन ने तो जीन्स वीन्स डाली है, तो अपन तो भाई और अपने धंधे की पूरा साथ दे रही है भाई, भाई पूरा पूरा दे रही है क्यों। हाँ और रोहित भाई लोग भी आगे निकल गया, निकल गए रोहित भाई लोग भी, अभी देखते हैं वहाँ का सीन क्या होता है, और चल रहे अभी अभी रुक गए थे, ये सीन देख के हम रुक गए थे गाइस, समझो चलो थोड़ा शूट कर लेते हैं, अभी चलते भाई साहब। बर्फ देखो भाई, बर्फ ये देखो भाई, भाई साहब ठंडा, हम जला रहे हैं अभी एंटॉर्च, और ठंडा भी काफी लग रहा है, पर आपके लिए संघर्ष कर रहे हैं अमन और मैं, चला रहे हैं अभी स्कूटी पे। ओ भाई ठंडा बर्फ, काफी टाइम बाद देखी यार। ओ भाई क्या देख लिया भाई, क्या देख लिया भाई, क्या देख लिया है भाई,
माय गॉड भाई साहब। सो गाइज अभी यार फ़ोन की बैटरी भी डेड हो गई है और अभी हम यहाँ पे चाय पीने रुके हैं। प्रॉपर पूरा पहाड़ी वाला दिखाता है यार आपको, बट लाइट नहीं है इससे नहीं दिखा पा रहा हूँ। और ऊपर देखो धुआं ही धुआं और क्या गाइज। और अभी रुके हम यहाँ चाय पीने के लिए बिकॉज ठंडा काफ़ी ज़्यादा हो गया। क्यों रोहित भाई? और सब लोग अभी सब बैठने की जगह ढूंढ रहे हैं क्योंकि ठंडा बहुत ज़्यादा है। आग वाग सेक रहे हैं बाहर चले।